हाय एवरीवन, आप सबका फिर से मेरे एक नए वीडियो पर स्वागत है। क्या फेसबुक ने आपका भी अकाउंट को इस प्रकार से लॉक कर दिया है? ये दोनों प्रॉब्लम आपको एक साथ ही आ रहा है, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे स्क्रीन में। तो आप ये दोनों प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे, फिक्स कैसे कर पाएंगे, आज मैं पूरा इस वीडियो में बताऊँगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। फिर आप लोग बोलोगे कि मेरा अकाउंट अनलॉक नहीं हो पाया, फिर मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता गाइस, सही है? तो आपको सबसे पहले करना क्या है, जो भी मैं स्टेप बताऊंगा उसको आपको फॉलो करना है। तो मैं फटाफट ट्रिक को बता देता हूँ। ट्रिक को बताने से पहले मैं आप सबको बता दूं, जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि जब भी मैं ऐसा ट्रिक लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, अपने अकाउंट को क्रोम ब्राउज़र में लॉगिन कर लेना है, जो कि लॉक्ड रहेगा उस अकाउंट को। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रखा है, तो आपने जैसे कि देखा कि यहाँ पर डिसएग्री विथ द डिसीजन प्रॉब्लम भी आ रही है, और यहाँ पर योर पोस्ट गोज अगेंस्ट और कम्युनिटी स्टैंडर्ड ऑन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन, सही है? ये दोनों प्रॉब्लम एक साथ ही आ रही है। आप इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कैसे कर पाएंगे, सॉल्व कैसे कर पाएंगे, आज मैं पूरा इस वीडियो में बताऊँगा। तो आपको पूरा इस वीडियो को एंड तक देखना है, तब जाके आपका अकाउंट रिकवर हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। मैं आप सबको पहले क्लियर कर देता हूँ। आपको सर्च बार में आपको सबसे पहले चले जाना है। सर्च बार में जाने के बाद आपको इसको mbasic.facebook.com करके आपको सर्च कर लेना है, सही है? mbasic.facebook.com। जैसे ही आप सर्च करोगे, फिर आपको इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा, यू डिसएग्रीड विथ द डिसीजन, सही है? आपको योर पोस्ट गोज अगेंस्ट वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, सिर्फ यू डिसएग्री वाला प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर पाएंगे, तो आपको mbasic करके आपको सर्च कर लेना, तब जाके आपका ऐसा प्रॉब्लम आ जाएगा, सही है? योर पोस्ट गोज अगेंस्ट वाला नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सर्च बार में फिर से आपको चले जाना है। चले जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है यू डिसएग्री विथ द डिसीजन, इतना करके आपको सर्च कर देना है। तो आपको ये फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे, ये फेसबुक का ऑफिशियली वेबसाइट है गाइस, सही है? तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, फिर आपको ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे। तो मैं आप सबको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि हमने ये सर्च किया तो फेसबुक ने प्रोवाइड किया ये लिंक, तो हमको इस पर क्लिक किए तो हमको जो भी करना होगा, मतलब जो भी हमने फीडबैक, जो भी मतलब अपील करना पड़ेगा फेसबुक टीम को, वो यहीं से करना है, तब जाके हमारा फेसबुक अकाउंट रिकवर हो पाएगा। उम्मीद करता मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और कहीं से भी आपका अकाउंट रिकवर नहीं होगा, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, सही है? तो हमको नीचे आना थोड़ा सा, तो जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे, यहाँ पर आपको सुगेस्ट कर रहा है वाज दिस हेल्पफुल, तो यहाँ पर आपको नो पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपको सभी को पता होगा कि हमको किस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमको द सेलिब्रेशन डजंट वर्क सेकंड नंबर पे हमको क्लिक कर देना है। उम्मीद करता मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। फेसबुक ने खुद सुगेस्ट करता है कि आप इस लिंक पर जाओ, अपने अकाउंट को रिकवर करो, सही है? तो हमको यहाँ पर ऑप्शनल देना है फेसबुक टीम को, ताकि हमारा फेसबुक अकाउंट का कुछ अदर ऑप्शन आ जाए और हम अपने फेसबुक अकाउंट को रिकवर कर सकें। तो आपको यहाँ पर ऑप्शनल देना है, फीडबैक देना है, जो कि फेसबुक टीम को आपको सेंड करना है। देना है, मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहीं से कॉपी कर लेना है। तो मैं यहां से कॉपी कर रखा है, तो कॉपी करने के बाद यहां पर आपको पेस्ट कर देना है। मैं आप सबको दो स्टेप बताऊंगा, जिससे फेसबुक टीम आपको अदर ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, जिससे आप अपने फेसबुक अकाउंट को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम, डेट ऑफ बर्थ, नंबर, ईमेल और पासवर्ड को आपको दे देना है। देने के बाद तो मैं सबसे पहले यहाँ पर दे देता हूँ, फिर वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने सबको यहाँ पर दे दिया है, जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे, नेम, नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, नंबर, ईमेल और पासवर्ड को, सही है? तो अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होगा, तो यहाँ पर आई कांट रिमेम्बर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर भाई को अपने डेट ऑफ बर्थ पता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है। और याद रहे गाइज, उन्हीं का अकाउंट रिकवर हो पाएगा जिनका ईमेल ऐड होगा फेसबुक अकाउंट में, सही है? तो इतना करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर थैंक यू फीडबैक करके यहाँ पर आ जाएगा। ये तो हुआ हमारा पहला स्टेप। और सेकंड स्टेप हमको करना क्या है, हमको फिर से सर्च बार में आपको चले जाना है। चले जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है कन्फर्म योर आइडेंटिटी फेसबुक।
इतना करने के बाद आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे फिर आपको फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट्स देना है जिसका नेम और डेट ऑफ बर्थ सेम हो। कोई सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दे सकते हैं आप लोग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई सभी आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फटाफट यहाँ पर आधार कार्ड दे देता हूँ। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप आईडी कार्ड को मेक भी करवा सकते हो। सही है, आप आईडी कार्ड को मेक भी करवा सकते हो। तो आपको सबसे पहले आपको मेक करवा के यहाँ पर आपको आईडी कार्ड आपको सबमिट करना है। तो इतना करने के बाद आपको सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करोगे तो ये तो सबमिट हो जाएगा। जैसे कि आप सब देख भी सकते होंगे हमारा फीडबैक फेसबुक टीम के पास पहुंच गया। अब हमको वेट करना है, हमको कम से कम 3 डे का वेट करना है। 3 डे के बाद अपने अकाउंट को फेसबुक ऐप में आपको लॉगिन करना है। उतना के लिए इस अकाउंट को लॉग आउट करके आपको छोड़ देना है। तो फटाफट यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। आपको सभी जगह से लॉग आउट होना चाहिए अपना अकाउंट। और जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ऑल पे सेट कर दो, ताकि जब भी मैं ऐसा ट्रिक लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी के तो सिर्फ इतना ही। अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी हो फेसबुक से रिलेटिव तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं।